और समर्पण करिए। हेलो कहाँ से गए? अच्छा वो बोले में ओके भारतीय पब्लिक स्कूल जो बड़े बड़े थे बेचारे। हाँ सिद्धांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। अरे इतनी धीरे हल्की आवाज किसकी है? मेरे सिद्धार्थ सिद्धांत कोचिंग ओके है। लाल बहादुर स्कूल यस देखो आवाज है। यूनिक गुरु होने का एक प्रोग्राम था तो मैं भी उसमें गई थी। आपकी आवाज को सुन के मुझे नहीं लगता कि आपको वो प्रॉब्लम हो रही है जो वहां हो रही है। यहां तो बड़े कॉन्फिडेंट ब्राइट स्मार्ट गुड लुकिंग और मैं कभी नहीं चाहती कि आपकी डिसअपॉइंटेड आज कभी देखने की जरूरत नहीं हो। ये आई विश यू ऑल आपके जो बॉर्डर स्कूल कितने हैं? कितने बॉर्डर स्कूल हैं? हाथ जो बॉर्डर्स हैं वो हाथ पर करो। हॉस्टल हॉस्टल नहीं आपकी ग्रंथि के राजा बने हुए हैं।
सेवन करके इसको करो तो सही, अगर आगे ले जाओ होने चाहिए। फिर मैं देखना चाहती हूँ कि आपका कौन सा गेम है, जैसे 11 में गेम है क्रिकेट, 12 में गेम है कबड्डी, और किसी जगह में गेम है बास्केटबॉल। आपके यहाँ कौन सा गेम है जिस गेम के लिए आपको नहीं है, सही है? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एक गेम लेके उस गेम के अंदर चैंपियन टीम निकालने की जरूरत है। जिस चैंपियन टीम का कचूंबर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा बोलो, नहीं बना सकता कचूंबर हमारा कोई भी। जब हम तय करेंगे कि ये गेम लेना है तो वो गेम लेके और बहुत मस्ती के साथ दूसरे का कचूंबर करेंगे, हमें किसी का हमारा कचूंबर नहीं कर सकते, राइट? अभी मेरे को सबने मिलके बुद्धा की एक बहुत अच्छी बहुत सुंदर स्टैचू दिया है, आपने सबने दिया है, आपकी ओर से दिया है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं इसको मेरे कमरे के अंदर मेरे ऑफिस में रखूंगी और ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक मैसेज दे रहा है। ये मैसेज है कि आपके जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, आपको दिन के अंदर कभी कभी इरिटेशन भी होगा, आपको ज्यादा पढ़ाई की वजह से कभी कभी दिमाग भी बनाएगा। इन सब चीजों को ध्यान रखना, जैसे बुद्धा ने सब चीज को पेट में करके और शांति से मेडिटेट करके उसके ऊपर ध्यान देके मुश्किल के समय को निकालने का काम किया। ये आपके ऊपर भी लागू है, ये हम सब जो ये पॉलिटिशियन लोग भी बैठे हैं उनके ऊपर भी लागू है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जो यहां खड़े हैं जो आपको पढ़ाते हैं और आपको साथ में लेके चलते हैं, इनके भी लिए जरूरी है। हम सब सबके टाइम के अंदर सबकी दुनिया में स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को किस तरीके से संभाला जाए वो हमको बुद्धा सिखा रहे हैं। उस तस्वीर को आप देखोगे उससे मालूम हो जाएगा। और उस समय जब मैं अभी कोटा गई थी तो श्री श्री रविशंकर जी ने भी यही कहा, 5 मिनट अकेला निकालो समय। अरे पढ़ने के लिए हम लोग सब जाते हैं, गेम्स खेलते हैं, परीक्षा करते हैं, टीचर्स के बीच में जाते हैं, क्लासेस में बैठते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु 5 मिनट अपने लिए अपने को निकालने की जरूरत है। अगर बैठो 5 मिनट के लिए, आंख बंद करो और किसी चीज के बारे में मत सोचो, और उसमें अगर आप सक्सेसफुल हुए तो मेरे को चिट्ठी लिखना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से कोई भी सक्सेसफुल होगा। 5 मिनट में दिमाग के अंदर इतनी चीजें आएंगी उसको बना ही नहीं सकोगे। पर जो व्यक्ति धीरे धीरे प्रैक्टिस करके और 5 मिनट ऐसा बैठ सके जिसके दिमाग में कोई और चीज नहीं आए, तो मान के चलो कि आने वाले समय में व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब आप दुनिया में जाओगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज द पूंजी टू सक्सेस। अब आप में से हो सकता है कि कोई लोग फिल्म स्टार्स बन जाएंगे, कोई लोग बिजनेसमैन बन जाएंगे, कोई लोगों की बहुत हाई प्रेशर दुनिया होगी, डॉक्टर्स बन जाएंगे, लॉयर्स बन जाएंगे, टीचर्स बन जाएंगे, परंतु आपने अगर ये काम किया है तो कितना भी हाई प्रेशर लाइफ होगा आप फिर भी उस लाइफ के अंदर टॉप पे आने का काम करोगे। एज ऑफ टुडे इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जो आप लोगों को पढ़ाने में इतने जुटे हुए हैं। मैं स्पेशली मिस्टर श्रवण चौधरी को धन्यवाद देना चाहती हूं। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को नहीं दे रही हूं, सबको दे रही हूं, परंतु 50% आपने चला के ऑफिसर्स एंड इनफैक्ट दोज पीपल हु आर गॉन टू द फ्रंट, ऐसे सोल्जर्स के बच्चों के लिए यू आर गिविंग 50%, मैंने लिखी है 50%, दैट्स अ वेरी बिग थिंग। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस। आई एम श्योर देयर आर अदर पीपल जो ये अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु आज मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं तो देना चाहिए, देने ही दे रही हूं, परंतु साथ साथ आई गिविंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ विशेस। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू।
आज की दुनिया बहुत मुश्किल की दुनिया है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डीरेल करने की कोशिश करेंगे। इधर उधर ध्यान मत दो, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपना गोल और अपना रास्ता, उसको ध्यान में रखते हुए आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। एंड आई कैन टेल यू दैट नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू। सो गुड लक एंड लॉट्स ऑफ लव।